हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। तो दोस्तों, चैनल स्टडी गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं यूपीपीसीएल जेई का सॉल्व, और इस पे का पहला का जो पांच का एडिशन था, फिर जो पांच एडिशन था वो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, तो वहां पर से आप देख लीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना भूल गए तो थोड़ा याद करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि नया नया जो अपडेट आएगा वो आप सबसे पहले पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 43 से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में कौन सा क्वेश्चन है, ये हम देख लेते हैं। तो नीचे रहा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि वहां से आपको नया नया क्वेश्चन पेपर का सॉल्व का मिल जाएगा, ठीक है। तो आज देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है, एक थ्री फेज सेमी कन्वर्टर वर्क्स एज ए सिक्स पल्स कन्वर्टर व्हेन द फायरिंग एंगल इज। पहले तो आप पे आपको जानना है व्हाट इज सेमी कन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा खुद का ही कॉपी से कुछ पिक्चर मैंने ले लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, मेरा ही हैंड राइटिंग है। तो व्हाट इज ए सिक्स पल्स, व्हाट इज ए सेमी कन्वर्टर। पहले सेमी कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, सेमी कन्वर्टर मतलब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम सेमी कन्वर्टर कहते हैं। थ्री फेज का मतलब तीन रहेगा, और यहाँ पर एक कंट्रोल रहेगा, एक अनकंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है, एक कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड, कुछ इस तरह से होता है सेमी कन्वर्टर, आपने देखा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक लोड आ जाएगा, यहाँ से आपका एक फेज इधर, एक रहेगा इधर, और एक रहेगा तो यहाँ पर कुछ आपका एक SCR, तीनों SCR और तीनों डायोड आपको लगेगा, ठीक है। तो ये होगा सेमी कंट्रोल। आप यहाँ पर एक यहाँ पर सोच सकता है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है, इसको हम सेमी कंट्रोल कहते हैं। तो सेमी कंट्रोल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर अल्फा जीरो होता है तो कुछ इस तरह का थ्री वेव फॉर्म जो आता है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है R, इसके 120 डिग्री बाद स्टार्ट होता है G, और इसका भी 120 बाद स्टार्ट होता है ये वाला B वाला। तो ये रहा AB, AC, BC, BA, CA, CB एंड AB, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री कंडक्ट कर रहा है T1 D6 T1 D2 T3 D2 T4 D2, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो पल्स आ रहा है, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है, अगर 360 डिग्री आप यहाँ पर खत्म होता है 360 डिग्री, ठीक है, खत्म होता है 360 डिग्री, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पर खत्म होता है, देखिए सिक्स पल्स है, एक दो तीन चार पांच छ, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, इसलिए इसको हम सिक्स पल्स कन्वर्टर कहते हैं, सिक्स पल्स कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। देखिए अल्फा 0 to 60 degree, ठीक है, अल्फा 0 to 60 degree होता है, तो यही होता है। अब कैलकुलेशन बहुत डिटेल्स कैलकुलेशन है इसका। यहाँ पर मैंने और एक किया है, यहाँ पर देखिए अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, अगर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ये थ्री पल्स कन्वर्टर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर थ्री पल्स 60 डिग्री से के बाद यहाँ पर ये थ्री पल्स कन्वर्टर हो जाता है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर तीन पल्स मिल रहा है, ये थ्री पास कन्वर्टर हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि देयर इज अ कन्वर्टर वर्क्स फॉर द सिक्स पल्स कन्वर्टर दैट विल बी 0 to 60 degree, ओके, या वेवफॉर्म अगर आप खुद पर ड्रॉ करें, खुद के ड्रॉ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। आइडेंटिफाई द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ओके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप लोग देखे यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, देखिए ये वाला सन, और सन हमें एनर्जी दे रहा है, ये रहा अर्थ, ब्लू अर्थ, यहाँ पर ब्लू अर्थ, ठीक है, ये सन हमें एनर्जी दे रहा है, और ये रिन्यूएबल है, क्यों, क्योंकि सन हमसे पैसा नहीं लेता और हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीके? मतलब ऐसा नहीं कि देखिए एक बार फॉसिल फ्यूल, देखिए 4-5 हज़ार पहले फॉसिल फ्यूल आया था, तो फॉसिल फ्यूल जब एक बार आप जला दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन सन तो खत्म नहीं होगा ना, अभी ये ब्रिलियन ट्रिलियन ईयर्स तक चलेगा, और उतने दिन तो हम रहने वाले नहीं है, ठीक है। Then, in a longer or the medium transmission line, the phenomenon causing the receiving end voltage to be greater than the sending end voltage under no load condition, ठीक है, तो अगर receiving end का voltage sending end से ज्यादा हो जाता है
बहुत कंडीशन में ज्यादा हो सकता है, एक तो नो लोड कंडीशन में भी ज्यादा सकता है, एक लोड कंडीशन, एक कैपेसिटिव लोड में भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कैपेसिटिव लोड में ज्यादा हो तो उसको हम फैंटास्टिक नहीं कहेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको इंटरव्यू में। और अगर नो लोड कंडीशन में ज्यादा हो गया उसको हम कहते हैं फैंटास्टिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने ड्रॉ किया है, और देखिए यहां पर जो है ये आईसी कैपेसिटिव करंट, ठीक है, कैपेसिटिव करंट, और ये आईसीआर, मतलब ये आईसी क्या होता है, आईसी इक्वल्स टू एक्चुअली आईएस हो जाता है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल्स टू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस आईएस इनटू आर प्लस आईएस इनटू एक्स। तो ये रहा हमारा वीआर, ठीक है, यहां पर वीआर रहा, और IS into R, ये वाला IS into R, और इसके पैरेलल 90 डिग्री पे आता है IS into X, ठीक है। और यहाँ पर आप जोड़ दो इसको, तो ये रहा VS, ठीक है, ये रहा VS, और ये रहा IC, क्योंकि कैपेसिटिव करंट है, ठीक है, नो लोड पे कैपेसिटिव करंट ले रहा है, ठीक है, लेकिन रिसीविंग एंड को कोई करंट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि VR plus IR, R प्लस आई आर एक्स जो होता है वो वी एस होता है। अभी निकल के आया तो जो अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे वी एस को लेकर, तो वी एस होगा, वी एस के जो कंपोनेंट होगा वो वी आर से छोटा हो गया, मतलब वी एस इज लेस देन वी आर और वी आर इज ग्रेटर देन वी एस। इसको हम कहते हैं फेरंती इफेक्ट, बट एट नो लोड कंडीशन, बट एट नो लोड, यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 हम देख लेते हैं। 46 में क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ए टू वायर सिस्टम हैज अ वोल्टेज एट द सप्लाई एंड मेंटेन एट 500, द लाइन इज 3 किलोमीटर लॉन्ग, इफ फुल लोड करंट इज 120 एम्पीयर, व्हाट मस्ट बी द बूस्टर आउटपुट इन ऑर्डर दैट द फार एंड वोल्टेज मे आल्सो बी 500 वोल्ट, टेक द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल एट द वर्किंग टेंपरेचर एट द 0.5 ओम पर किलोमीटर, ठीक है। यहां पर देखिए एक है लोड एंड और एक है सोर्स एंड, ठीक है, यहाँ पर 120 एम्पीयर का है और यहाँ पर देखिए 500 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर भी हमें 500 वोल्ट ही मेंटेन करना है, ठीक है, और 0.5 ओम पर किलोमीटर और 3 किलोमीटर है, तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.5 × 3 दैट मीन्स 1.5, ठीक है। तो टोटल पावर, ये जो पावर लॉस होगा ये इसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो लोड का जो करंट, तो फुल लोड करंट आईएल स्क्वायर इनटू लोड का रेजिस्टेंस, यही पावर है जो हमें कंपेंसेट करना पड़ेगा, जो बूस्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कितना होता है ये 120 × 120 × RL, RL कितना है 1.5, ठीक है, 120 × 120 × 1.5, लेट मी कैलकुलेटर, 21600, 21600, तो इसको ये वाट होगा और इसको 1000 से डिवाइड करें तो 21.6 किलोवाट होगा, तो ऑप्शन होगा डी, ठीक है। क्या किया मैंने, मैंने लॉस निकाला, इस सिस्टम का लॉस निकाला, जो लॉस्ट हमें, अगर इस लॉस को हम कंपेंसेट करते हैं तो क्या होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज का, ठीक है, इस लाइन का कुछ लॉसेस है तो इस लॉसेस को, लाइन का लॉस हम नेग्लेक्ट किया है, लोड का जो लॉसेस है वो हम कंपेंसेट कर रहे हैं किसी दूसरी जगह से, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का नंबर ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स रिक्वायर्ड फॉर द 132 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम, 132 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, देखिए यहाँ पर देखिए एक सिस्टम है, तो यहाँ से 132 केवी सिस्टम पे आप कैसे आप पहचान सकते हैं सिस्टम को, ट्रांसमिशन टावर देख के पता चलता है, ठीक है, टावर और इंसुलेटर देख के पता चलता है ये एक सिस्टम कितना का होता है, ये 132 प्रैक्टिकली जो होता है एक ट्रांसमिशन का 15 केवी लेते हैं एक इंसुलेटर को, और यहाँ पर देखिए थियोरिटिकली है इसलिए इसको 132 डिवाइडेड बाई 11 या तो 12, ठीक है, इसलिए इसको 12 आंसर ले लिया है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप सोचे, आप प्रैक्टिकली सोचे कि आप
किसी 132 के भी सिस्टम पे जाए तो इससे डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो, अब 15 से डिवाइड करो तो क्या होगा, मतलब 9 इंसुलेटर लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं 132 के सिस्टम पे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कॉन्स्टेंटन इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है, कॉन्स्टेंटन किसका अलॉय है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा, ये देखिए ये कॉन्स्टेंटन अलॉय है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो अलॉय दिख रहा है ये कॉन्स्टेंटन है, और 55% कॉपर एंड 45% निकल, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, कॉन्स्टेंट एनालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग एन, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है मेगर से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेगर, हालांकि ये इंसुलेशन टेस्टर है, इंसुलेशन टेस्टर है, ठीक है, ये मेगर नहीं है, कंपनी का नाम जो होता है वो मेगर, कंपनी का नाम मेगर होता है, मेगर एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने पहले इसको पेटेंट किया था तो इसलिए इसका नाम कहते हैं मेगर, हम मेगर क्यों कहते हैं इसलिए मेगर कहते हैं। और बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज देखने के लिए हमारे चैनल का इस प्रैक्टिकल चीज क्यों इसको मेगर कहते हैं, तो आप टेक्निकल शुभंकर मेरा एक प्रैक्टिकल चैनल है तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक स्केल है, यहाँ पर एक हैंड क्रैंक है, ठीक है, और हैंड क्रैंक जनरेटर अभी तो डिजिटल आ चुका है, ऐसा सब कुछ डिजिटल हो चुका है, ठीक है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा देगा आपको, यहाँ पर रहेगा जीरो, यहाँ पर रहेगा इन्फिनिटी, ठीक है, आपको याद रखना है। तो प्रैक्टिकल चैनल हैलन हमारा है एक टेक्निकल शुभंकर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसका वीडियो देखिएगा, और कैसा लगे कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement is not correct for a squirrel cage induction motor? तो कौन सा जो है वो correct नहीं है, ठीक है, देखिए it has simple construction, it is maintenance free, it is highly reliable, it has variable rotor resistance. अभी देखिए इसका जो ये rotor है इस तरह का कुछ skewed rotor होता है, ठीक है, rotor bar होता है, ठीक है, squirrel cage में, ठीक है, ये cage होता है, cage की तरह आप दिख रहा है ये squirrel cage, यहाँ पर end ring होता है, तो short किया जाता है end ring से और rotor bar is slightly skewed. इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये है, मतलब यहाँ पर आप रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, इसका कॉपर कंडक्टर नहीं होगा, सॉलिड मटेरियल, तो इट इज रॉन्ग, नॉट करेक्ट, मतलब रॉन्ग मतलब इट हैज वेरिएबल रोटर रेजिस्टेंस, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स पे, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे रहा जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, और एक चैनल का लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप लोगों को, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उधर ही पर प्रैक्टिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल जो थिंग है कि क्या कैसा है फ्यूज, क्यों है होता है फ्यूज, ये सब चीज़ आप तो मोटर क्या है सब आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू।